बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर विलाग के साथ मैं अबूदर बुच्ची हूँ। एग्रीकल्चर विलाग में खुश आमदीद। आज किसान भाइयों के लिए एक और खुशखबरी के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि किनोला के ऊपर आपका सब्सिडी किस तरह हासिल कर सकते हैं। जो किनोला के काश्तकार भाई हैं उनसे आज मैं मुखातिब हूँ कि आप किनोला के ऊपर सब्सिडी किस तरह वसूल कर सकते हैं, या किनोला के ऊपर आप इनामात जो तकसीम किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, खुशहाल किसान खुशहाल प्रोग्राम की तरफ से जो किनोला के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है वो आप किस तरीके से वसूल कर सकते हैं। मजीद वीडियो जानने से पहले तमाम फार्मर हजरात से गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दें। चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो किनोला के जैसा कि किनोला के हर साल काश्तकार भाइयों को सब्सिडी दी जाती है इनामात की शक्ल में, जिस भी किसान हजरात ने 3 एकड़ या 3 एकड़ से ज़्यादा किनोला काश्त किया है वो अपने ज़िले के अंदर या अपनी तहसील के अंदर जाकर जो भी इदारा है ज़रात का इदारा है उसके अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और इस इनामात स्कीम का हिस्सा बने। वो आपके इनामात कैसे होगी, वो जैसे एक किसानों का आपस में मुकाबला किया जाता है कि पैदावार के हवाले से आपकी 3 एकड़ की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जैसे ही आप इसको हार्वेस्टर के अंदर डालेंगे तो ज़िरात के इदारे के 1-2 बंदे आपके पास आएंगे और वहाँ पर आपकी फसल का आपकी फसल जो आपने हार्वेस्टर कर रहे होंगे उसका मुआयना करेंगे और उसके वज़न करेंगे कि फ़ी एकड़ पैदावार किसकी ज़्यादा है। ये मेरे ख्याल के अंदर 10 इनामात होते हैं, 1 से लेकर 10 इनामात होते हैं जो कि 10 किसानों को दिए जाते हैं। जाकर इससे फ़ायदा उठाने के लिए तमाम किसानों से गुजारिश है कि जाएं और अपनी रजिस्ट्रेशन ज़िरात के इदारे के अंदर ज़रूर कराएं।